नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या के नाराज हो? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बताइए तो बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग कहते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे हो, हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कही है, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम जब हम लोगों को निकलने दीजिए, अब ठीक ही। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, इसलिए लोग कह रहे थे कि वो नाराज होकर चले गए। आपको नाम पे आपत्ति है? इंडिया नाम पे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली, और उसको घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले, साथे सब खाना खाए हैं, और उसके बाद तो आप लोगों के यह प्रेस के साथ मीटिंग होने वाली थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, और हमको जाने दीजिए, हम लोगों को चले आए फिर पूरे बिहार वाले तीनों चारों। आपकी भी मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, एनडीए की मीटिंग चल रही थी। क्या मतलब एनडीए का? सोच न रहे एनडीए का मीटिंग का। एनडीए था पहले श्रद्धेय अटल जी के टाइम में, 1999 में बना एनडीए, और उसके बाद ये लोग कभी एनडीए करते थे। पहले एनडीए के हर पार्टी की मीटिंग होती थी अटल जी के टाइम, बाद में कभी हुआ है जी? इंडिया नाम इन लोगों के साथ भी थे तो इन लोगों के साथ अभी गए थे, फिर 5 साल तक कहाँ कभी मीटिंग हुआ? अभी चूंकि हम लोग एक मीटिंग करवा दिए तो इसलिए इन लोगों को लगा कि एक मीटिंग कर लें। अब बताइए ना, अजय लोगों का नाम आया है तो किसी का जानते हैं कौन सी पार्टी है? अरे हम लोग क्या, तो जो मीटिंग हुआ है उसमें तो सब नोन है ना पार्टी, 16 पार्टियां तो सब राज्यों की, बाकी सब राज्यों में और भी रीजनल पार्टी है, तो वो सब तरह से हुआ है। इनका तो ऐसे ही है, अब किसी को हम निकाल दिए तो वो सब, तो हम तो जान कर कहे थे कि ज्वाइन करिए या बाहर जाइए, हम जानते थे वो रहेगा यहाँ। ये जो 23 तारीख को होना था और वो मीटिंग में बैठता तो सब खबर देता बीजेपी को, हम जान गए थे, इसलिए हमने कह दिया था, हम लोगों ने बैठ करके इन्हीं को भेज दिए थे कि या तो आप मर्ज करिए नहीं तो जाइए, और 2 दिन का टाइम दिया, चले गया, इसलिए हटा एक आदमी को जिसको अपनी जगह चीफ मिनिस्टर बना दिया। कौन कौन चीज बोलते रहता, ये बनाया कौन पार्टी? इसीलिए सुन लीजिए, कोई मतलब नहीं, तो ऐसे ही अपना चलते रहता। लेकिन बात यह है कि भाई आप लोगों के साथ भी चेक है, सारे तो मीडिया पर कब्जा कर लिया है, और उसी तरह से हम लोगों की बात कुछ पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बाकी सब फिर उन्हीं का बात चलेगा। तो देख लीजिए 24 या उसके पहले जब भी चुनाव कराएं, हम लोग लगे हुए हैं कि वो अलग हट जाएं, तब फिर आप लोग भी स्वतंत्र हो जाइएगा, मीडिया के लोग फिर सही बात देश के अंदर जो भी है चर्चा उसी की करेंगे, और उससे देश को फायदा होगा। प्रधानमंत्री पहले कितना बढ़िया होता था जी मीडिया का, क्या बोले हम आपको, जब MP थे जो थे सब दिन बैठते थे और लोग कितना खुश होते थे, बोलिए आप लोग आवाज तो नहीं ना देखिएगा, याद करिए ना जब हम यहाँ MLA थे या दिल्ली में MP थे या मंत्री थे, उस समय की तरह देखिए तो मीडिया का रिपोर्ट, और यहाँ भी जब हम आए थे तब का भी रिपोर्ट बात देखिए शुरू में। लेकिन अब क्या है, मतलब अब तो कुछ रहा नहीं है, ये तो पहले ही से कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3-4 साल से एकदम पक्का हो गया कब्जा, अब कोई मतलब नहीं। हम तो आप लोगों से जब पूछते हैं तब बात करते हैं, लेकिन हम ऐसे ही कहते हैं कि आप लोगों को बेकार कष्ट हो, बेकार के लिए हम करें। एनडीए को कितनी बड़ी चुनौती 2024 में आप मानते होगी? पूरी चुनौती हो गई, और अभी आप जान लीजिए लोगों को पता नहीं है, और जब सही समय आएगा तो इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे, हम नाम नहीं लेंगे अभी, नहीं तो पता चला कि उस पर क्या क्या कर देगा उल्टा पुल्टा। इसलिए सब बहुत अच्छा माहौल होगा, और मिल करके देश के हित में हम लोग काम कर रहे हैं जी, देश का इतिहास ही लोग बदल देंगे, आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं, सब चीज खत्म कर देंगे। अब एक बार भी बापू का नाम लेता है कोई? अब जरा बताइए तो, अश्रद्धे अटल जी के साथ थे, कितना बढ़िया काम करते थे, आई सब अटल जी का भी नाम लेता है, आप सोचने लीजिए। तो इसीलिए जी ना, उस सब में बात हमको नहीं कुछ है, हम तो सबको एक एक बात कह देते हैं, हमारा कोई निजी कोई च्वाइस वाइस नहीं है, हमारा एक ही च्वाइस है कि देश के हित में सब एकजुट हो जाए, हमारा पर्सनल कुछ हमको इच्छा नहीं है, हम तो देश के हित में खाली बात कर रहे हैं, इसलिए वो सब बात नहीं है, वो सब कोई बात नहीं। सुशील मोदी काफी अटैक कर रहे हैं, अब क्या करें बेचारे, तो सुशील मोदी का हालत हमको दुख तो इसी का ना था, जब डिप्टी CM नहीं बनाया त
तो हम दुखी हो गए या बेचारा हम अलग हो गए तो कोशिश कर रहा है। देखिए प्रेस वाले हिसाब से रोज रोज हो रहा ताकि उनको मौका मिले, तो हम कभी बोलेंगे उनके खिलाफ? वो तो अंडमंड बोलवे करेंगे, अंडमंड बोलेगा ताकि उसको कुछ पटिया में जगह मिल जाए तो अपना करे, हमको क्या काय करना, हम नहीं कुछ सबको बोलेंगे, सबको जानते हैं। अगला डेट काहे नहीं, काहे नहीं दिया था इस मौका, ये रहे काहे नहीं, अब रहते ही तो कोई खराब नौबत न बताती, लेकिन अब क्या कीजिएगा, चलिए छोड़िए वो सब, क्या कोई बात है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपने, आप लोग आरजेडी को गाली देते थे और साथ में आज बैठ के मीटिंग कर रहे हैं बेंगलोर में, सब लग वो सब क्या के लिए बोल रहे हैं, इसे बता दीजिए। तो आप भूल गए हैं लोग 2015 में क्या हुआ था, एक साथ लड़के नहीं हुए थे, तो वही ना उन पर केस उस करके हमको फिर ये सब पीछे पड़ करके लाए, अब फिर हम वापिस आ गए, ऐसा क्या चीज है। इन लोगों को पता है जो मेरे खिलाफ बोलते हैं उनको भी आप सोचिए, पटना यूनिवर्सिटी में आज आप कहते हैं मेरे खिलाफ है तो भी अध्यक्ष बने, वो जनरल सेक्रेटरी बने, कौन मदद किया था, हम ही ना सबको मदद किए थे जी, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो एक एक चीज तो किए हुए हैं सब लोगों का, तो सब छोड़िए, कोई कहते रहता है बोलने दीजिए, कोई मतलब नहीं। आज जो चलिए जो जो लोग मेरे पीछे पड़ के हमको फिर जनता दल से हटा, अब वो देखिए कहाँ है आजकल, भाग गया कहीं, फिर आया, फिर उसको बनाए, अब फिर भाग गया, आना चाहता हूँ ना, आज इसको हम अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बना दिए तो क्या हुआ हालत, एगो IAS अफसर था और उस वक्त कहाँ से कहाँ बनाए, क्या अपने को कहता है तो क्या कीजिएगा, अनेक लोग है इधर से उधर, तो हमारा तो दुर्भाग्य है ही ना, इसलिए अब हम इधर उधर नहीं, हम सबके राय से ही काम करते हैं, पहले हम अपना मर्जी से कर देते थे।